इंडिया किसको कहां आने देगा या नहीं आने देगा, वो जिन श्रीमान जी की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको किया था हमने इनवाइट, आपने कर दी कंडीशन कि मैं 3 के साथ आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। मता भाई एहसान थोड़ी ना कर रहा है, ये देश है, इट विल नॉट गेट डिक्टेटेड बाय वन स्टूपिड एस, आई एम कॉलिंग हिम एस टुडे, बिकॉज यू कैनॉट टेक अ कंट्री फॉर अ राइड, यू कैनॉट से दैट कि अगर मैं आऊंगा तो मैं उसके साथ आऊंगा नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तुम नाने हो गए, तुम तो भगवान के अवतार हो गए कि तुम्हारे ही आगे हाथ जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे भाई? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। ये देश अपनी सोवरनिटी पर चल रहा है, अपने बनाए हुए असूलों पर चल रहा है, उन असूलों पर जिसको आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है। वी डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम वन ऑड स्टूपिड मैन हु वाज एडमिट दैट आई हैव टू कम विद अ जर्नलिस्ट फ्रेंड और फॉर दैट मैटर एनीबडी। सो दीज आर सर विद माई वेरी हम्बल सबमिशन टू यू, दीज आर इररिलेवेंट पीपल, दे विल ओनली टेक अस फॉर अ राइड। आपको और मुझे, मैंने जैसे आपको बोला, आप जे आपके तो पहली क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्सेस क्यों नहीं देते उधर कश्मीर में, अगर सब कुछ सही है वहां पे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जाने दें, लोगों को जाने दें, जर्नलिस्ट को जाने दें। सर अब मैं चाहूंगा कि आप काइंडली इसको जरा आंसर करें। मुझे जो सिर्फ फक्र जो जिस इस बात में जो फर्क नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, भाई आप एक बात बताइए, अथर काजमी के ऊपर ऐसी कौन सी स्टैंप लगी हुई है कि वो इंटरनेशनल जस्टिस डिमांड कर देगा इंडिया में आकर? मैं आपको 100 बढ़िया तरीके देता हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपके पास आपकी, मैंने एक एग्जांपल दिया IHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की एक ऑथराइज्ड NGO है विद अ प्रॉपर लेटर एंड अथॉरिटी, मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसे अलाउ करिए। आप इस तरह की 3 और ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए, अरे सर आप ऑर्गेनाइजेशन को तो जब बोलेंगे, मैंने तो आपको इसमें दिखा दिया कि ये जो रीजनिंग जो है रिलीज और अंडरटेकिंग वाला मामले की, ये एक दूसरे के कंसेंट में बच्चे के भलाई के लिए की जा रही है। आपको मैंने इसमें 9 केस गिना दिए, 2 केस डेथ के, मैं ओन अप कर रहा हूं कि इससे ज्यादा और सीरियस क्या बात हो सकती है, जरूर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। अथर काजमी यहां पर आकर कोई ऐसा अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर देगा जो एज अ इंडियन मैं नहीं कर पाऊंगा? मतलब मुझे आप एक बात बताइए, आपके ऊपर या फॉर दैट मैटर अली साहब के ऊपर कौन सी ऐसी स्टैंपिंग लगी हुई है जो ये प्रूव करता हो कि अगर अली साहब कह रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, तो अली साहब क्या इनजस्टिस नहीं कर रहे कि सिर्फ 12-14 केस रिपोर्ट होंगे, बाकी सारे रिपोर्ट नहीं होंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों ने जो आपके नोटिस में लाए, जैसा कि शफाक साहब ने शुरू में भी कहा और अली साहब भी यही कह रहे थे कि दीज आर द रिपोर्ट्स वेयर एलिगेशंस आर देयर, नाउ दैट इज वेयर इंडिया स्टैंड्स आउट ऑन देयर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, दैट यस वी आर अलाउइंग आवर पीपल। इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है? हम छुपा थोड़ी ना रहे हैं, हम तो अलाउ कर रहे हैं। आपको मालूम है कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं कि कहां क्या हो रहा है, लेकिन हम यहां बाकियों का केस डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ JNK इंडियन JNK की बात करेंगे। और इंडियन JNK एज पर एज यू आर ऑल्सो अवेयर, मोस्ट अवेयर दैट व्हाट डज JNK इन्वॉल्व, that complete JNK should have been covered for reporting anything to do with human rights. जी अच्छा सर, जी जी, ये जो आप इस समय, मेरा बुरा मत मानिएगा, ये मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है, लेकिन ये मेरा हर उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से ये मेरा कंप्लेंट है कि भाई साहब आप एक बात बता दीजिए, बड़े चैंपियन बने फिर रहे हैं आप, ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर जो पत्थरबाजी के अटैक हो रहे हैं, क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं होता? जो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके ऊपर आप फायर कर उनको शहीद कर दे रहे हैं, उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है? सिर्फ ह्यूमन राइट आप इन 14 बच्चों के देख रहे हैं, वो भी जो पत्थरबाजी में थे, जिनके पेरेंट्स ने जिम्मेवारी लेकर उन्हें बचा लिया, सिस्टम ने अलाउ कर दिया इन बच्चों के करियर से मत खेलिए, कोई बाहर से आके, कोई मैं जाके इंक्वायरी करूंगा या कोई और बंदा बाहर से जाके इंक्वायरी करे, सिंपल एक्सेस
मतलब कि अगर एक जो फ्री कंट्री है, आई कैन गेट वीजा और मैं आज टिकट लूं और मैं मॉस्को चला जा सकता हूं, पर यहां से किसी को कश्मीर नहीं जाने दिया जाता, जो इवन के मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाता, तो ये क्यों रोका जाता है कि ना वो आप इंटरनेशनल प्रेस को वहां जाने देते हैं ना कुछ, ये क्वेश्चन था। दूसरी बात ये है कि ये अगेन जिस तरह हमने कहा कि मैंने पहले भी कहा और आपने बड़ी डिटेल से बताया कि दीज आर एलिगेशंस और एलिगेशंस के ऊपर इंक्वायरीज होती हैं, एलिगेशंस में किसी का ये जुर्म साबित नहीं हो जाता, ये तो एलिगेशंस हैं, पर इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा? क़ौमे मुत्तहिदा को बता देना कि दीज आर फॉल्स एलिगेशंस, वी हैव डन इंक्वायरीज एंड दिस इज अटर रबिश, सो दे कैन प्रूव दिस रॉन्ग, वो उनको रिपोर्ट्स भेज दें कि ये रिपोर्ट्स हैं और दिस इज ऑल रॉन्ग। तो ये मकसद है कि इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बता क्यों नहीं रहा है कि यार ये रॉन्ग है। मैं अली साहब के पास आता हूं और अली साहब से भी मेरा यही क्वेश्चन है। अली साहब देखें, जिस तरह कर्नल साहब ने भी ये कहा कि अगर वहां पर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है तो सिर्फ ये 14 केसेस उस लिमिटेड से एरिया से क्यों आ रहे हैं, बाकी एरिया से कोई केसेस क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहे, तो ये किस तरह बिलीव कर लिया जाए कि जी बस सिर्फ यही 14 केसेस हैं और जो ये कहा गया इनमें वो सच है? देखिए, मैं जो पहले मैंने कहा था कि देखिए कर्नल साहब कह रहे थे कि झूठे इल्जाम या गलत रिपोर्ट्स हैं या ये सही रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो मैं उसके लिए कह रहा था कि अगर ये ऐसी बात समझते हैं आप कि ये गलत है या ये झूठे इल्जाम है तो आप आने दें। यूएन की जो रिकमेंडेशन है वो जो उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो गैर जानबदाराना रिपोर्ट है, वो किसी ना कश्मीरी की है ना पाकिस्तान की है, किसी की नहीं है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कुछ भी वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो अपनी एक उनकी रिसर्च होती है, उनका अपना एक सिस्टम है जिसके तहत वो रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये गलत है तो इसका बेहतरीन हल है जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी कोई आके वहाँ आके वो कोई सही रिपोर्ट तैयार करने का, वो बात नहीं है। बात यह कि आप एक्सेस दें और आप, ये आपके लिए बेहतर होगा, इंडिया के लिए बेहतर होगा कि जो लोग आएंगे वो जब वो कंफर्म करेंगे कि ये झूठ है तो आपके लिए बेहतर है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे पत्थर मारते हैं, देखें जो फोर्स जब यूज की जाती है ना, जब आप उसका रिएक्शन होता है, अब बच्चे जो पत्थर मारते हैं वो क्यों पत्थर मार रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है वो क्यों पत्थर मार रहे हैं। और आपने कहा कि जो 15 लाख है या 8 लाख है या जो भी फौज है, इतनी फोर्सेस जो है वो सिटी के अंदर शहरों के अंदर जो गैर मैं समझता हूँ गैर कानूनी तौर पे जिस तरह के एनकाउंटर्स बताए जाते हैं उनको भी, अगर एनकाउंटर्स की भी आप वो डिटेल्स पे जाए तो बहुत सारे एनकाउंटर्स ऐसे हैं जिसपे वो गलत किया ना, वो एनकाउंटर्स है, वो मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है। अगर ये सही बात है, अगर आप कहते हैं कि वो मिलिटेंट, अब मैं पिछले कितने सालों से सुन रहा हूँ कि इंडियन होम जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा, बहुत सारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि 200-300-400 मिलिटेंट हैं, 200-300 के लगभग अक्सर फिगर्स आती रही है। अब ये जो बच्चे यूनिवर्सिटियों के आ रहे हैं जिनको मारा जा रहा है, जिनको शहीद किया जा रहा है एनकाउंटर कह के, वो क्यों उनको किया जा रहा है, वो क्यों अगर पत्थर उठा रहे हैं तो वो क्यों उठा रहे हैं, वो वहाँ के हालात हैं। आप उनको रिलीफ दें, उनको 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 आप जो फोर्सेज हैं उनको शहरों से निकाले। देखिए आप अगर सुप्रेशन करें क्या होगा, भी है हर जगह है, अगर आप समझते हैं वो गलत है तो कितने सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को आपने उनके खिलाफ केसेस बनाए? ठीक, चले अली साहब, आपका आ गया, आपका मैं शफक साहब से चाहूंगा कि शफक साहब आप भी इसके ऊपर कमेंट करें और फिर आखिरी कमेंट मैं लूंगा कर्नल साहब से, ताकि कर्नल साहब जो है उस कर दें और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। जी शफक साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कर्नल साहब के, ये करें अतर साहब के जो रिपोर्ट है यूएन की जो 2019 की है, मैं आपको आपके पास होगी लेकिन दोबारा भेज दूंगा, आप कर्नल साहब को दे दें और ये करें कि अगली बार उस पर हम एक प्रोग्राम करें
उसके हवाले से, क्योंकि वहां पर कर्नल साहब छोड़े अतर कादरी को एक्सेस देना या ना देना, लेकिन यूएन जो है वो कह रही है कि यूएन को और एमनेस्टी इंटरनेशनल को दोनों को अनफेटर्ड एक्सेस बगैर रुकावट दोनों हिस्सों में कश्मीर के। और मैंने ये आपको बता सकता हूँ लाइव ऑन अतर शो के जब शाह महमूद कुरैशी से हमारी मुलाकात हुई थी ब्रसेल्स में, मैंने उस वक्त वो रिपोर्ट हमारे पास थी, मैंने कहा था शाह महमूद से कि यू शुड गिव एक्सेस एंड देन वी विल आस्क द इंडियंस टू आल्सो गिव एक्सेस। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कॉलीग अंग्रेज कॉलीग क्रिस डेविस जब ये डेलीगेशन गया था यहाँ की यूरोपियन यूनियन से चुने हुए जो MEPs थे, कर्नल साहब आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन वो जो चुड़ के लोग ले यहां से लेके गए थे वो इंतहा पसंद थे, वो जो नेशनल फ्रंट थे नियो नाज़ीज थे। और जब मेरा जो कॉलीग क्रिस डेविस ने कहा था मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ एक जर्नलिस्ट को आने दे, उसका इन्विटेशन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। सो मैं ये कहता हूं कि आप एक्सेस देते हैं लोगों को, ये ना कि एक एक्सेस अतर साहब नहीं मिलता, एक्सेस मिलता है लेकिन जो हाँ जो मोदी गवर्नमेंट के साथ आंख में हां मिलाता है वो उसको एक्सेस दिया जाता है, कोचों में ले जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव होते हैं क्रिस डेविस की तरह उनकी जो इनविटेशन भी था, लेकिन जब उसने सवाल किया था कि सर मैं साफिक मेरे साथ जाना चाहता है, हम कश्मीर में जो जहां भी जाना चाहते हैं, मैं कहता हूं जो मिलिट्री काम कर रही है सर आई फील सॉरी फॉर यू, यू आर ट्राइंग टू डील विद अ पॉलिटिकल सिचुएशन with a military solution and it can never work. सीधी बात है, मैं आपको कहता हूँ reality. Now it never worked in Northern Ireland. वहां पर भी आखिर में political solution हुआ था, जो Republican थे और जो Protestant थे उनको दोनों को एक पास बैठा के, वही Northern Ireland है सर जिस तरह आपका कश्मीर अभी है, वहां पर चेक पॉइंट थे, शूट टू किल पॉलिसी थी, ये इल्जाम थे फौज के खिलाफ भी और पुलिस के खिलाफ भी, वो भी इंसानी हकूक के खिलाफ काम कर रहे थे। Ultimately, they had to sit down, a peace and reconciliation हो गया था। और किसी साइड ने नहीं कहा था कि हम बहुत सफेद हैं। You know, अभी सर आपने तो रिपोर्टों का मसला है, सर मेरे पास वीडियो भी आए हुए हैं लेकिन वो शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे तारीख उनकी नहीं पता कि कितने हिस्टोरिक है, वहां पर वे फौजी है सर कितनी बेदर्दी से नौजवानों को जमीन पे, एक वो उसके सर पे टांग रखता है, दूसरा उसके पांव में रखता है, और सीरियसली सर नो ह्यूमन बीइंग whose right mind would look at those videos and say that they are justified. वो unjust है। और ये चीजें हैं, एक भी केस जो है ना unjust होता है, एक ये जो innocent person के खिलाफ beating हो या कत्ल हो जाए वो unjust है, और हर जो right minded person है उसका हक बनता है आवाज उठाने के लिए। और मैं कहता हूँ ये इंडिया पाकिस्तान का मसला ना करें प्लीज सर, ये जिस इंसानी हकूक का मसला है, ये कश्मीरियों का मसला है, ये कितने सालों से जारी है। और मैं कहता हूँ लुक लेट्स, ये जो जिस तरह पाकिस्तान एंड इंडिया हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 30-40-50 इयर्स, ये हल नहीं हुआ, लेट्स फाइंड समथिंग डिफरेंट, अ मिलिट्री सॉल्यूशन इज नॉट द वे फॉरवर्ड, यू नो वी नीड गुड पीपल ऑन बोथ साइड्स। इंडिया में बहुत से ज्यादा अच्छे लोग हैं, हम उनसे काम करना चाहिए, यहाँ पर भी यूके में भी है, यूरोप में भी है, कश्मीर पाकिस्तान वाले हिस्से में भी होंगे लोग, वी नीड टू वर्क अलोंग साइड देम एंड स्टॉप द ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। फौजी है उनका काम होता है बॉर्डर में, वो शहरों में नहीं होते सर, जब शहरों में होते हैं ना दैट्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, बिकॉज़ दे आर ट्रेन्ड डिफरेंटली, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू पुलिस, दे आर ट्रेन्ड टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। एंड ये बहुत बड़ा मसला है, जब फौज को सिविलियन पुलिस का ड्यूटी दे देते हैं वहां मसले बन जाते हैं। ठीक, अच्छा मैं अब आता हूँ जरा कर्नल साहब की तरफ, और ऑब्वियसली कर्नल साहब से आपने भी चीजें उठाई। कर्नल साहब, जिस तरह शफक साहब ने भी ये कहा कि जहां पे भी आर्मी को तैनात किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस होती हैं, उन्होंने अपनी कंट्री का यूनाइटेड किंगडम का हवाला दिया कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो बर्तानिया की यूके की आर्मी थी उसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे, पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगे, और बाद में उसका पॉलिटिकल हल निकाला। एंड ही यूज्ड द वर्ड कि आई फील सॉरी फॉर द इंडियन आर्मी, रीजन बीइंग कि इंडियन आर्मी इज ए प्रोफेशनल आर्मी और वो उनको वहां पे वो ड्यूटी दी जा रही है जो पॉलिटिशियंस का काम है। ये मसले का हल पॉलिटिशियंस ने निकालना है, फौजियों ने नहीं निकालना। तो आप क्या समझते हैं कि सर जो कश्मीर का मसला है
इसमें जो इन्होंने ये कहा है कि इसका एक पॉलिटिकल हल ही निकलेगा तो तब ही वे फॉरवर्ड होगी। एंड ही ऑल्सो सेड कि देर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन इंडिया, देर इज अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन पाकिस्तान, और मिल बैठ के ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं रादर देन एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की। तो आप क्या समझते हैं कि सर मसलों का हल पॉलिटिक्स से हल होगा या फौजी हल निकालेंगे इन मसलों का? देखिए मैं आपको दो तीन बातें बड़ी क्लैरिटी से जो मेरी सोच है वो जरूर बता दूं। हमारे दोनों गेस्ट जो हैं वो प्रोबेबली जमीनी हकीकत से नहीं, ये दोनों गेस्ट एक उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां ये सिर्फ रिपोर्ट पढ़ते हैं या वो वीडियो देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है या वो जो रिपोर्ट उन तक पहुंच पाती है। मेरे जैसे लोगों के पास एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि कुछ साल पहले तक मैं वहां ग्राउंड पर खड़ा था और एक टूर ऑफ ड्यूटी में नहीं खड़ा था, थोड़ा ज्यादा एलिजिबल मानता हूं कि यस आई एम नॉट इन द लग्जरी टू बी इन बेल्जियम और स्टेइंग इन यूके टू कमेंट ऑन समथिंग हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि मानवता और मानव अधिकार सब चीजों को पीछे छोड़कर आगे रखे जाने चाहिए दोनों देशों द्वारा। और मैं सर से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कुछ लोग पाकिस्तान में और कुछ लोग हिंदुस्तान में अच्छे हैं, मैं इसमें बिल्कुल एग्री नहीं करता। ज्यादातर लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान में अच्छे हैं, चीजों को अभी भी कंट्रोल में हम कर पाते हैं, इसीलिए हमारे बीच में ट्रेड चल रहा है, इसीलिए अभी आप और मैं इस टीवी चैनल के द्वारा बात कर रहे हैं, ये हमारे बीच में अमन की एक जीती जागती मिसाल है। अब इस मिसाल को ना देखें और हम ये सोचें कि कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, ज्यादातर लोग अच्छे हैं। जहां तक सर का जो बढ़िया सवाल है और जिस पर मैं शुरू में भी बोल चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं, इंडिया किसको कहां आने देगा या नहीं आने देगा, वो जिन श्रीमान जी की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको किया था हमने इनवाइट, आपने कर दी कंडीशन कि मैं 3 के साथ आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। मता भाई एहसान थोड़ी ना कर रहा है, ये देश है, इट विल नॉट गेट डिक्टेटेड बाय वन स्टूपिड एस, आई एम कॉलिंग हिम एस टुडे, बिकॉज यू कैनॉट टेक अ कंट्री फॉर अ राइड, यू कैनॉट से दैट कि अगर मैं आऊंगा तो मैं उसके साथ आऊंगा नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तुम नाने हो गए, तुम तो भगवान के अवतार हो गए कि तुम्हारे ही आगे हाथ जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे भाई? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। ये देश अपनी सोवरनिटी पर चल रहा है, अपने बनाए हुए असूलों पर चल रहा है, उन असूलों पर जिसको आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है। वी डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम वन ऑड स्टूपिड मैन हु वाज एडमेंट दैट आई हैव टू कम विद अ जर्नलिस्ट फ्रेंड और फॉर दैट मैटर एनीबॉडी। सो दीज आर सर विद माय वेरी हम्बल सबमिशन टू यू, दीज आर इररिलेवेंट पीपल, दे विल ओनली टेक अस फॉर अ राइड। आपको और मुझे, मैंने जैसे आपको बोला, आपके लेवल पर सर आपने तरीके निकालने हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आपको तरीके सजेस्ट कर रहा हूं, मैं सजेस्ट कर रहा हूं, कंडीशंस नहीं लगा रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज द करेक्ट वर्ड। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास JNK में 10 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, भेजिए ना उनको। मैंने जब आपके इन 14 केसेस पर कमेंट किया वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कमेंट किया कि आपको वो क्लैरिटी से पिक्चर नहीं दिखाई जा रही जो आपको दिखाई जानी चाहिए। आपके जैसे लेवल पर अगर आपने कमेंट करना है कि आप एक बात बताइए, 44 RR ने एक बंदे को पकड़ा, उसे पीटा, उसके बाद क्या हुआ, ये क्यों नहीं लिखा भाई? क्या आपका हक नहीं बनता ये पता करने का कि चलो भाई उसे गलत पकड़ा, उसे पीटा, बहुत ज्यादा गलती करी, भाई उसके बाद क्या हुआ, कहानी गायब क्यों हो गई? आप बता रहे हैं कि अथर काजमी को कर्नल शैलेंद्र सिंह ने पकड़ा, उसे पीटा और उसे उसे छोड़ दिया एक अंडरटेकिंग के साथ कि वो अगली बार भारत के बारे में गलत बात नहीं करेगा। ओ भाई साहब ये क्या तरीका है, बेवकूफ बना रहे हो किसी का, आप जैसे लोगों का कोई इस तरह अगर बेवकूफ बना, मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया किसी भी तरह की कर्नल साहब आप कंक्लूड करें तो फिर मैं लास्ट कमेंट देता हूं, आप काइंडली अगर कंक्लूड करें। अगर हमारे यहां होगी कर्नल साहब, अगर हमारे यहां होगी तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है क्योंकि हम इसके आदी नहीं है।
हम इसको टॉलरेट नहीं करते, हम इसे सपोर्ट नहीं करते। ह्यूमन राइट्स फॉर अस इज टॉप मोस्ट। ठीक, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया और बाकी जो दूसरे मेहमान थे उनका भी आ गया। कर्नल साहब ने ये कहा कि एक सिली आदमी को हम ये नहीं हक दे सकते कि वो ये फैसला करेगा। कर्नल साहब, यूनाइटेड नेशन इज नॉट एन सिली ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो सिली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सब एक्सेस मांग रहे हैं, उनको भी आपने एक्सेस नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है कि जो ये सारे केसेस हैं, अगर ये केसेस झूठे हैं तो इसकी रिपोर्ट भेज दें वापस, यूनाइटेड नेशंस को बता दें। अब मसला ये है कि अगर आप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी हैं तो यू हैव टू बी आंसरेबल, यू हैव यू मतलब मैचो टॉक करने से ये चीजें तो सर चली नहीं जाएंगी। ये तो वही है कि जो जिस तरह अमित जी शाह साहब बात करते हैं या मोदी जी बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आंसर देना पड़ेगा इन चीजों का जो आज दुनिया क्वेश्चंस उठा रही है। अगर ये क्वेश्चंस गलत हैं और दुनिया गलत क्वेश्चंस उठा रही है, इदारे गलत क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो इंडिया कैन प्रूव देम रॉन्ग इन वन वीक सर, आंसर कर दें और उनको रॉन्ग प्रूव कर दें तो ये सारी चीजें हल हो जाएंगी। आई एम हियर टू टेल यू राइट नाउ, वी डोंट केयर। लेट मी टेल यू, वी डोंट केयर।